तो ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ इस वीडियो सीरीज़ में जर्मन सीखिए उर्दू ज़बान में। और ये जो आज का लेक्चर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ये मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर आज के लेक्चर में आपने इसको सही तरीके से समझ लिया और बाद में याद भी कर लिया तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जर्मन ज़बान में देने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे। तो मैंने आज का लेक्चर जो डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हैं, थोड़ी बहुत गलतियां मैंने खुद डाली हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि आया अब तक आपने एक लिहाज से सही तरीके से गेन किया कि नहीं किया जो मैंने आपको कहा है। तो ये जो लिखा है मैंने ये सारा आपका जर्मन में है, तो ये मैं भी आपको प्रोनाउंस पढ़ के बताऊँगा। ये आपका उर्दू में है और ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको, चले शुरू ही जर्मन से करते हैं हम। दास इस्ट माइन जोन आंडी, दास इस्ट माइन जोन आंडी। अब ये जो दास है, या आप इसको अगर हम जो बोलते हैं कि वो, उर्दू में जो हम बोलते हैं वो दास कहता है जर्मन में। फॉर एग्जाम्पल वो मेरी गाड़ी है तो दास इस्ट माइन ऑटो, वो मेरा बेटा एंडी है, तो यहाँ मैंने लिखा है वो मेरा बेटा एंडी है। और इंग्लिश में इसका आ जाएगा डैट इज माई सन एंडी। एयर स्पील्ट गेरने गिटारे, अब मैंने आपको बताया कि एयर अमूमन यूज होता है लड़के के लिए, लड़के के लिए और किसी सामने वाला लड़का, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं ही। तो फॉर एग्जांपल अगर दो लोग जा रहे हैं और किसी की तरफ वो पॉइंट आउट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये काम उसने किया, फॉर एग्जांपल, या वो मेरा दोस्त है, या ये घर उसका है, वो यहाँ पे आएगा, तो ये जो एयर यूज़ होता है ये वो सेंस के लिए यूज़ होता है कि वो मेरा दोस्त है, एयर इज माइन फ्रेंड। अब यहाँ पे एयर स्पील्ड, स्पील्ड का मतलब एक की वर्ब है जिसका मतलब है टू प्ले, टू प्ले स्पील्ड का मतलब है टू प्ले कि खेलना, इस वर्ब को बोलते हैं स्पील्ड, टू प्ले या खेलना। गेरने बोलते हैं पसंद करने को, लाइक या लव, लाइक कि मेरे बेटे को गिटार खेलना पसंद है, तो उस सेंस में गेरने को हम बोलते हैं लाइक। अब एक बात जो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने यहाँ पे ईयर लगाया है या मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा खेलता है, तो यहाँ पे जब अगर आप प्रोनाउन चेंज करेंगे तो वर्ब भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एयर के साथ आता है स्पील्ड, जी के साथ आता है स्पीलन, और ईयर के साथ भी आता है स्पील्ड। तो अगर आपको ये बात कंफर्म या अब तक समझ में नहीं आई तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि कौन सा वर्ब किसके लिए हम यूज़ करते हैं, और स्पीलन वर्ब हम आगे अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो वो मेरा बेटा है एंडी, उसको गिटार खेलना पसंद है, स्पील्ड एक वर्ब है और गिरने का मतलब पसंद को बोलते हैं। एयर इज फियर्जिन यारे आल्ट, अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपका टेस्ट लूँगा कि फियर्जिन का मतलब क्या है। फियर्जिन एक नंबर है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बोला है, और उसका मतलब क्या है, फियर्जिन किसको बोलते हैं, एक दो तीन चार पाँच किसको बोलते हैं। एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं कि यहाँ मैंने लिखा है ही इज़ सिक्स ईयर्स ओल्ड, ही इज़ सिक्स ईयर्स ओल्ड, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है। तो इस सिक्स फियर्जिन सिक्स को नहीं कहते हैं, यहाँ भी मैंने छः लिखा है तो ये मैंने खुद गलत लिखवाया है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा टास्क है कि फियर्जिन किसको बोलते हैं, और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि फियर्जिन किसे बोलते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर देखें जिसमें मैंने आपको काउंटिंग वगैरह सिखाई है। अब आते हैं दोबारा आगे कि एयर इज, एयर का मतलब दोबारा वो आ गया कि मेरा बेटा, वो
इस्ट का मतलब इस, फियरजीन एक नंबर है, और यारे बोलते हैं साल को, साल। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि मेरा बेटा 18 सालों का है, फॉर एग्जांपल 18 सालों का है। इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ही इज 6 ईयर्स ओल्ड, फॉर एग्जाम्पल। तो ये ओल्ड आपका आल्ट है, आल्ट आल्ट, और ईयर्स आपके, ये आपके यारे हैं, यारे। अब यहाँ पे एक और बात मैं छोटी सी पॉइंट आउट कर दूँ कि अगर आप एक साल बोलते हैं तो एक को बोलते हैं आइन और साल को बोलते हैं यार, एक साल आइन यार। लेकिन जब प्लूरल आ जाता है, 2, 3, 4, 5, 10 साल, फॉर एग्जाम्पल द्राए यार, द्राए यार, अब ये हो गया 3 साल। इसका मतलब है एक साल आइन यार, और इसका मतलब है 3 साल। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ ऐड करते हैं, आइन यार और द्राए यार रे। ये नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ गाड़ी या गाड़ियाँ, साल या मे बी सालों, लड़की लड़कियाँ। तो जर्मन में एक यही होता है कि अगर तो चीज़ सिंगुलर है, अगर चीज़ एक है तो वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब आप उसको प्लूरल कर देते हैं या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप आगे कुछ ऐड करते हैं, या हम आगे जाके नाउन्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा एयर इज फियरजिन यारे आल्ट, वो फियरजिन सालों का है। अब फियरजिन का मतलब क्या है, ये आपने अपने कमेंट, मुझे कमेंट में शो करना है। मायने तुख्तर जबीन इज जेक्स यारे आल्ट। अब यहाँ पे वही आ गया, मायने मतलब मेरी, तुख्तर का मतलब ये बेटी, जबीन मेरी बेटी का नाम है, इस्त इज जेक्स बोलते हैं 6 को, यारे आल्ट। मेरी बेटी जबीन 6 सालों की है। तो इस सेंटेंस में मैंने कुछ आपको बताया नहीं। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ जो हम आगे जाके देखेंगे, कि यहाँ पे जब मैं अपने आप से कोई चीज़ रिलेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी, मेरी बेटी, तो बेटी फीमेल है तो मैंने माइन के आगे ई लगाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा, माइन जोन आएगा। ये एक छोटा सा फर्क है, मायने तुख्तर मेरी बेटी में और मेरे बेटे में, क्योंकि बेटा जो है वो मेल है तो इसके आगे ई नहीं आया, लेकिन तुख्तर एक फीमेल है। ये मैं कहूँ कि मेरी बेगम तो मायने फ्राओ आएगा, जो भी आगे पढ़ेंगे हम। तो जब आप किसी मेल चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी तो माइन ऑटो, लेकिन अगर वो फीमेल है तो मायने आ जाएगा। ये हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो वीडियो सेशन है ये बहुत बड़ा सेशन होगा, और आपको मैं पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा एंड तक। अब आगे आप देखें तो मायने फ्राओ उंद ईरे श्वेस्तर लीजन गेरने मगजीन। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बेगम और उसकी बहन को मैगजीन पढ़ना पसंद है। मेरी बीवी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, इट्स नॉट बेटी, इट्स उसकी बहन। मेरी बेगम को और उसकी बहन को, श्वेस्टर सिस्टर को बोलते हैं, लीजन गर्ने मैगजीन। लीजन बोलते हैं आप टू रीड को, लीजन टू रीड को बोलते हैं। गेरने, दोबारा वही वाला वर्ड आ गया यहाँ पे, के पसंद है। मेरी बेगम और उसकी बहन को मैगजीन पढ़ना पसंद है। माइन ब्रूदर नामे इस मून। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी उर्दू में डेफिनेशन बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लियर है, मेरे ब्रूदर बोलते हैं भाई को, उसका नाम मून है। एयर इस फिर हैरत, फिर हैरत एक ये वोकेबलरी है आपकी, जिसका मतलब बोलते हैं हम शादीशुदा को, वो शादीशुदा है। ही इज मैरिड, या अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो ही इज मैरिड, शादीशुदा। जी वॉनन इन क्लेवे, जी बोलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, वो जब आप किसी
प्लूरल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी झुंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी वोहनेन इन क्लेवे, वोहने बोलते हैं रहने को, इन क्लेवे क्लेवे में रहते हैं। माइन ओंकल इस्त लैदिक, ओंकल मतलब अंकल चाचू वगैरह हो गए, माइन मतलब मेरे, मेरे चाचू लैदिक बोलते हैं कुवारे को, या आप बोलते हैं सिंगल या बैचलर या जिसकी शादी नहीं हुई हुई थी उसको बोलते हैं लैदिक। एयर आर बाय तित बाय जीवन, ये टी है आपका, ये आर नहीं है। एयर आर बाय तित बाय जीमेंस, एयर मतलब दोबारा वही एयर आ गया वो वाला, वो जीमेंस में काम करते हैं। आरबाइट बोलते हैं काम करने को, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ, आरबाइट बोलते हैं टू वर्क। लैदिक बोलते हैं सिंगल को या कुवारे को, और फिर हायर अतित बोलते हैं मैरिड को या शादीशुदा को। तो यह आज के लेक्चर में छोटी सी एक वोकैबुलरी भी थी आपकी, और मैं दोबारा से आपको कुछ बताता चलूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमने एयर की यूज़ किया है, या फिर ये फियरजीन क्या है, ये जेक्स क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, या अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्पील्ट आया है, यहाँ पे स्पीलन आया है, ये क्यों चेंज हो रहे हैं, जैसे एयर स्पील्ट गिरने गितारे जी वोहनेन, ये आखिर में जो वर्ब के आखिर में जो हम लगा रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए।